एवरीवन, आज हम देखेंगे हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। इस यूनिट सर्कल पे अगर मैं पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल फॉर्म करूं तो यहाँ इस एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस विच वुड बी वाई बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सिंस रेडियस इज 1 तो यहाँ पे साइन थीटा विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। अब जैसे जैसे मैं P की पोजीशन चेंज करती जाऊंगी थीटा भी चेंज होता जाएगा। अलग अलग थीटा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे अलग अलग Y कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसी तरह मैं Y इक्वल टू साइन थीटा का कर्व प्लॉट कर पाऊंगी। लेट्स हैव थीटा ऑन द X एक्सिस एंड Y एक्सिस पे लेंगे हम साइन थीटा। सबसे पहली पोजिशन पॉइंट A पे थीटा होगा 0 और y भी तो यहाँ 0 ही होगा तो कर्व का पहला पॉइंट तो मिल गया 0,0। थीटा को 0 से बढ़ाते जाएंगे तो y भी बढ़ता जाएगा और हम पहुंच जाएंगे पॉइंट b पे जहाँ थीटा होगा पाई बाय 2 एंड यहाँ y होगा इस सर्कल के रेडियस के इक्वल यानी कि 1। अब यहाँ से थीटा को और बढ़ाएंगे और पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाएंगे तो y डिक्रीज होगा एंड जब थीटा पाई होगा तो y कोऑर्डिनेट होगा बैक टू 0 और ये पोजीशन होगी पॉइंट c की। तो यहाँ पे हुआ क्या, 0 से पाई के बीच में अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा 0 से पहले 1 होगा और फिर वापस 0 हो जाएगा। चलिए अब थीटा को और आगे बढ़ाते हैं और ये सर्कल खत्म कर ही देते हैं। पाई से 3π/2 की तरफ जाएंगे तो y नेगेटिव की तरफ जाएगा और 3π/2 पे पहुंचते ही ये -1 हो जाएगा। ये पोजीशन है पॉइंट d एंड लास्ट में 3π/2 टू 2π की तरफ जाएंगे तो हम वहीं आ जाएंगे ना जहां से शुरू हुए थे, बैक टू 0 विच इज पॉइंट a। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 0 से 2π में हमने एक साइकिल खत्म कर लिया है। अब 2π से 4π में ये ग्राफ रिपीट होगा और ये लहरें चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो ये रहा हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ। अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ग्राफ। सबसे पहला डोमेन, इस ग्राफ का डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज यानी थीटा की जगह आप कोई भी रियल नंबर या कोई भी एंगल एक्सेप्ट कर सकते हो। सेकेंड नंबर होगा हमारा रेंज। ये ग्राफ देख के साफ साफ पता चल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। ऑल्सो साइन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ अ पीरियड ऑफ 2π, मतलब हर 2π के बाद जैसा कि आप देख रहे हो ग्राफ रिपीट होगा। ग्राफ रिपीट होगा मतलब वैल्यूज भी रिपीट होंगी। अगर इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.